बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से वर्नर थ्योरी। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो आइए जानते हैं क्या है वर्नर थ्योरी। बच्चों अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को बनाया था, और उसी ने सबसे पहले यहां पर स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मेशन को बताया था, इसलिए अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। He prepared number of cobalt complexes and described their formation and structure. लेते हैं postulates. तो each metal in the coordination complex has two types of valences, primary and secondary. बच्चों किसी भी complex के अंदर जो metal atom या iron होगा उसकी हमेशा दो तरह की valency होगी, एक primary valency और दूसरी होगी secondary valency. Exam में question definitely बनता है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल इन नेचर। बच्चों ये चार्ज वाली होती है, आयनाइज आयन से शो करते हैं इसको। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल इन नेचर, ये नॉन आयनिक होती है, यहाँ पे चार्ज का कोई काम नहीं होता है। अब बात करते हैं इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। बच्चों इसको आयन की हेल्प से सेटिस्फाई किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, यहाँ पर लिगेंड जो होते हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। बच्चों यहाँ पे चार्ज होता है और चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब अट्रैक्शन होगा बिटवीन द आयंस और अमंग द आयंस तो वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन से एक दूसरे के क्लोज जा सकते हैं। दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। बच्चों यहां पे बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है लिगेंड से, और ये वैलेंसी किसकी है, मेटल की। तो यानी मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डायरेक्शनल इन नेचर। बच्चों वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एंड दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर हुआ? और यहां पे अट्रैक्शन होता है, दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। सो नेक्स्ट लेते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कॉजेस नो आइसोमेरिज्म, इससे कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट कॉजेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट लेते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। वर्नर ने बताया कि जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहां पे प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड या ब्रोकन लाइन से शो करते हैं, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। तो यहां पे बच्चों हमने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं CONH3 का होल 6Cl3। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है और ये इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंटर में हमारा मेटल कोबाल्ट एटम दिखाया हुआ है, बट इट इज कोबाल्ट आयन इन एक्चुअल। और यहाँ पे जो ब्रोकन लाइन से देख पा रहे हैं वो ब्रोकन लाइन दिखा रही है प्राइमरी वैलेंसीज को। तो यहाँ पे जो 3Cl है ये इसके चार्ज को मैनेज कर रहे हैं कोबाल्ट आयन के, सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं Cl एटम। तो ये हुई हमारी प्राइमरी वैलेंसीज, तीन प्राइमरी वैलेंसीज हैं। और यहाँ पे जो आप सॉलिड लाइन पिंक वाला देख रहे हैं ये है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, और यहाँ पे जो दिख पा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो कर रहे हैं, यानी कि मेटल कोबाल्ट आयन जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 अमोनिया लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये डायरेक्शनल होती है बच्चों, और अट्रैक्शन शो कर रही है प्राइमरी वैलेंसी, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल और नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल और नॉन आयनाइजेबल। क्लियर हुआ? अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, पूछता है एग्जाम में। तो कॉम्प्लेक्स देता है और बोलेगा कि बताओ इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो आइए देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल एटम होगा उसकी जो भी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट विल बी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर दी सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प से हम लोग दिखाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या आपको क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे OS निकालेंगे तो आप पाएंगे कोबाल्ट की जो OS आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट
वो आती है प्लस थ्री, क्लियर हुआ। और यहां पे लिगेंड अमोनिया का नंबर कितना है, सिक्स, तो ये जो सिक्स हुआ डेट विल बी द सेकेंडरी वैलेंसी, और जो प्राइमरी वैलेंसी है थ्री हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ जो मैंने पूछा था, तो बताइए इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी कोबाल्ट की। तो प्राइमरी वैलेंसी का नंबर थ्री होगा और सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर सिक्स होगा। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट। ई सेंट्रल मेटल आयन टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इन इट्स कॉम्प्लेक्स। वंडर बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो हमारा सेंट्रल मेटल होगा उसको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को पूरा करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब लेते हैं वंडर सजेस्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज द कॉम्प्लेक्स फोर और सिक्स। उसने इनिशियली बताया था कि किस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो फोर और सिक्स होगा। अगर फोर होगा तो टेट्राहेड्रल इन नेचर होगा और सिक्स है तो स्ट्रक्चर उसका ऑक्टाहेड्रल होगा। अब बच्चों ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ वंडर्स थ्योरी, आपको याद रहेगा वन टू थ्री तीन पोस्टुलेट थे। अब लेते हैं लिमिटेशन ड्रॉबैक्स। ये थ्योरी बाद में फेल हो गई क्योंकि ये सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। कौन सी कंडीशन थी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी? फर्स्ट, वर्नर थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन व्हाई ऑल मेटल्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये थ्योरी ये नहीं बता पाती कि सारी मेटल जो होती है कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना पाती, कुछ ही मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाती है बाकी क्यों नहीं बनाती है, क्लियर नहीं कर पाती। पॉइंट लेते हैं बच्चों, ही कुडंट एक्सप्लेन ज्योमेट्री मैग्नेटिक नेचर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों वंडर की जो थ्योरी थी इसकी सबसे बड़े ड्रॉबैक ये हुई कि ये नहीं बता पाती कि कॉम्प्लेक्स की एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगी, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरा मैग्नेटिक इन नेचर है या डाया मैग्नेटिक इन नेचर है, और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोज करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कौन सी करेगा, ये क्लियर नहीं हो पाया था वंडर थ्योरी से। बाद में ये थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, बट इनिशियली डेट वॉज much helpful in the explanation of coordination complexes. So this was all about the oneness theory. बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।